बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेटरनरी इन्फो। सामईन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा गाय भैंस या हमारे वो जानवर जिनकी खुराक अचानक तब्दील की जाए तो उसके बाद जानवर को मोशन पेचेस लग जाते हैं, जिसे हम डायरिया कहते हैं, रिक या मोक भी जिसे कहते हैं। ये वो बीमारी है जिससे न सिर्फ जानवर की सेहत कमज़ोर हो जाती है बल्कि बाज़ का जिस्म में पानी की कमी वाकई हो जाती है। हम बेशुमार दवाइयाँ मोशन के लिए, जानवर के डायरिया के लिए बेशुमार दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जानवर को फाका नहीं हो पाता। आज जो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके जानवर को दस्त मोशन या कुछ भी है तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका जानवर मुकम्मल ठीक हो जाएगा। अज्जा नोट कर लें। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे जो दोस्त पहली मरतबा हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अज्जा नोट कर लें। इसके लिए सबसे पहले सौंफ 100 ग्राम लेनी है। इसको आपने तवे पर अच्छी तरह भून लेना है। इसके बाद इसको ग्राइंडर कर लेना है या पीस कर पाउडर बना लेना है। उसके बाद बेसन आपने 250 ग्राम, पलाश गम आपने 10 ग्राम लेनी है। इसका भी आपने अच्छे तरीके से पाउडर बना लेना है। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और अपने जानवर को इस्तेमाल करवा देना है। शाम के वक्त 3 दिन लगातार ये अपने जानवर को इस्तेमाल करवाना है। इससे आपका जानवर इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। अगर आपके जानवर को दस्त मोशन, रिक या डायरिया लगा हुआ है तो इससे आपका जानवर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएगा। आज की वीडियो मेरे फार्मर हज़रात को लाजमी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को लाजमी दबाएँ और वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के साथ लाजमी शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।